सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ काइन मास्टर ट्यूटोरियल। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैं आप सभी के साथ शेयर किया था कि आप वीडियोस लेयर में क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या क्या एडिटिंग कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बाकी बचे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि उसे हम कैसे अपने वीडियो को एडिट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, मैंने यहाँ पे काइन में एक वीडियो लेयर को ऐड कर लिया है। मैंने इससे भी पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप सभी के साथ शेयर किया था कि आप वीडियो लेयर में क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हो, वीडियो लेयर में आप क्या क्या एडिटिंग कर सकते हो। अगर गाइस आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाके उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया है। तो गाइस, जब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, तो गाइस जैसे कि आप सभी को दिख रहा है राइट हैंड साइड में आपके पास बहुत सारे जो है ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसी ऑप्शन के बारे में आज के इस वीडियो में हम गाइस बात करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहली ऑप्शन जो है हमें मिल जाती है मीडिया। तो गाइस, सो गाइस, इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने वीडियो लेयर में कोई भी अदर वीडियो या फिर कोई भी अदर फोटो को ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए सिंपली गाइस आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी एक फोटो या फिर कोई भी इमेज को, वीडियोज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से इमेज से ये वाले फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये जो है इमेज यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप इस वीडियो और इस फोटो के बीच में कोई ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, ये ऐड वाला ऑप्शन जो है उस पर सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस देखेंगे आपके राइट साइड में बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ से कोई भी एक इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं फ्रंट ट्रांजिशन में से मैनी सर्कल वाले ट्रांजिशन को ऐड कर लेता हूँ और सिंपली इसे सेव कर दूंगा। इसके बाद गाइस ये वीडियो को मैं प्ले कर दूंगा तो देखिएगा कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें जो है ट्रांजिशन ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो के लेयर में और भी बहुत सारे वीडियोस या फिर इमेज को ऐड करके बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सो हे गाइस, जब बात करते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट ऑप्शन की जो की है लेयर। तो गाइस बात करते हैं लेयर में हम क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस देखेंगे आपके राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मीडिया, इफेक्ट, स्टिकर्स, टेक्स्ट एंड हैंड राइटिंग। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया वाले ऑप्शन की। एक्चुअली ये मीडिया वाला ऑप्शन ज़्यादातर यूज आप अपने ग्रीन स्क्रीन को वीडियो में ऐड करने के लिए यूज कर सकते हो। चलिए मैं आप सभी को एक एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे कोई भी वीडियो या फिर इमेज को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी फोटो या फिर इमेज को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। लाइक यहाँ पे मैंने यहाँ से कोई भी एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं इस वाली इमेज को ऐड कर लेता हूँ और सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा इमेज ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप वीडियो, इमेज जो भी आपके पास यहाँ पे इजीली तरीके से आप ऐड कर सकते हो। सो हे गाइस, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है और उस वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो उसके लिए गाइस सिंपली आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसका बैकग्राउंड ग्रीन है, ठीक है गाइस, और सिंपली उस पर सेव पे क्लिक करके बैक आ जाना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो को ऐड करके रखा है, एक छोटा सा क्लिप है गाइस। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये फुल्ली ग्रीन स्क्रीन है। तो इस पर सिंपली आपको इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इस वीडियो पे टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा क्रोमा की, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इनेबल क्रोमा की वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे कितने इजीली तरीके से हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर वीडियो में थोड़ा भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से अपने वीडियो में ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके अपने वीडियो को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। सो हे गाइस, जब बात करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है इफेक्ट। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आप देखेंगे बेसिक इफेक्ट है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है गैसियस ब्लर एंड एक है मोसाइक ब्लर। तो आप दोनों में से कोई भी एक इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों को यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पे
फर्स्ट वाला ब्लर जो है ऐड हो चुका है, इसके बाद आप सेकंड वाले ब्लर को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी कोई इफेक्ट चाहिए तो आपको गेट मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो गाइस अगर मान लीजिए आपको गैसियस ब्लर को यहाँ से छोटा करना है इसको, तो आपको सिंपली यहाँ पे वीडियो वाले लेयर पे इफेक्ट वाले लेयर पे क्लिक करना, और यहाँ से आप इजीली इसे छोटा बड़ा स्मॉल मैक्सिमम कुछ भी है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अब बैक कर देते हैं हम सिंपली यहाँ से, तो यहाँ पे हमने बैक कर लिया है। तो गाइस अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टिकर की। स्टिकर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि स्टिकर आपने वीडियो में किसी भी चीज़ को शो करने के लिए आराम से यूज कर सकते हो, तो इसके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है टेक्स्ट। तो कैसे अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो अगर आप अपने वीडियो में कोई भी टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ वेलकम वेलकम, ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम मैंने सिंपली टाइप कर लिया। मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वेलकम आ चुका है। वेलकम पे क्लिक करने के बाद गाइस देखेंगे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस जो है मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन सा फॉन्ट चाहिए आपको, यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट को यहाँ पे अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ये वाला फॉन्ट इस वीडियो में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपने इस फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। मैं सिंपली इसे वाइट रहने दूंगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, जो कि मैंने पार्ट वन में बताया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका मैंने लिंक दोनों में दे दिया, डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दिया, तो आप वहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आउटलाइन की। तो यहाँ पे अगर आप आउटलाइन को इनेबल करते हैं तो ब्लैक कलर का आउटलाइन यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि शैडो है, ग्लो है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड नहीं करूँगा, सिंपली बैक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी गई है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में फॉन्ट को यूज कर सकते हो, आई मीन टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। मैं सिंपली इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है हैंड राइटिंग। तो अगर आप अपने वीडियो में किसी भी हैंड राइटिंग या फिर पेन पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन के हेल्प से आप अपने वीडियो में इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैं इस पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, मैं सिंपली पेंसिल पर सिलेक्ट करूँगा और इसको इस वीडियो में इतना दूर पे सर्कल कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कितने इजीली तरीके से एज अ आप यहाँ पे एक पेंसिल को ऐड कर सकते हैं, आई मीन अपने पेंसिल को यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे थी हमारे लेयर वाले ऑप्शंस की जितने भी ऑप्शंस फीचर्स अवेलेबल थे, मैंने आप सभी को यहाँ पे सब ऑप्शंस बता दिए हैं। तो गाइस अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है रिकॉर्डिंग। सो गाइस बात करते हैं रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस देखेंगे आपको रेडी टू रिकॉर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके जस्ट नीचे आपको एक स्टार्ट बटन दिखेगा। तो गाइस जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो वॉइस ओवर आई मीन आपका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप इस वीडियो को ऐड करके अपने वीडियो को बहुत ही इजीली तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब बात करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है ऑडियो। तो गाइस ऑडियो की हेल्प से आप अपने वीडियो में कोई भी ऑडियो को इस्तेमाल कर सकते हो, आई मीन कोई भी ऑडियो को यूज कर सकते हो अपने वीडियो के बैकग्राउंड में यूज करने के लिए। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। अगर आप म्यूजिक पे क्लिक करते हैं तो गेट म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको काइंड मास्टर के थ्रू जितने भी म्यूजिक दिए जाएंगे वो कॉपीराइट होते हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी स्ट्राइक नहीं मिलती हो, तो आप उस म्यूजिक को भी इस वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो ये थे गाइस हमारे कुछ ऑप्शन जो कि हमने पहले वीडियो में नहीं बताया था। तो यहाँ पे जो है गाइस हमारा काइंड मास्टर का ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। लास्ट ऑप्शन जो हमारा बच जाता है कि इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट करके अपने गैलरी फाइल में कैसे सेव करें। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, राइट साइड में एक आपको टॉप कॉर्नर में ऑप्शन दिया जाता है एक्सपोर्ट का, सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से क्वालिटी में इसे सेव करना चाहते हैं, HD, फुल HD, HD, फिर QHD या फिर HD या 480p, कौन से क्वालिटी में आप इसे सेव करना चाहते हैं, या फिर आपका कौन सा फ्रेम रेट चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 480p पे 30 फ्रेम रेट से सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जगह हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना
स्टार्ट हो जाएगा। स्किप पे क्लिक किया तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपने गैलरी में सेव कर सकते हो। सो हे गाइस, यहाँ पे जो मेरा काइन मास्टर का ट्यूटोरियल फिनिश हो चुका है। तो गाइस अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।